हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर सोनी के सबसे लेटेस्ट गेमिंग कंसोल की बात करें तो वो है PS4, जो कि काफ़ी अच्छा कंसोल है। और आजकल लोग PS4 को काफ़ी ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं और उसकी गेम्स को एंजॉय कर रहे हैं। पर अगर हम बात करें सोनी के सबसे पहले गेमिंग कंसोल की, तो वो था PS1, जो कि अपने टाइम में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और उसमें भी काफ़ी अच्छी गेम्स आती थी। और अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी तक PS1 की गेम्स को नहीं खेला है, तो इसलिए सोनी ने लास्ट ईयर 2018 में अपने सबसे पहले गेमिंग कंसोल PlayStation 1 को फिर से लॉन्च किया था। और वो कंसोल है ये सोनी का PlayStation 1, जिसको नाम दिया गया है PlayStation क्लासिक। और ये कंसोल मेरे पास आ गया है, पर ये कंसोल इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है। अगर इसको आप परचेज़ करना चाहते हैं, आप सोनी की PlayStation 1 की कुछ पुरानी गेम्स खेलना चाहते हैं फिर से, तो ये कंसोल आपको मिलेगा बाहर से इम्पोर्ट किया हुआ, यानी कि ग्रे मार्केट का। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये कंसोल आपको मिल जाएगा अभी 5500 का। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और फिर हम देखेंगे बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है, और फिर हम काफ़ी सालों के बाद खेलेंगे PlayStation 1। तो ये है सोनी PlayStation क्लासिक का बॉक्स। बॉक्स उन्होंने काफ़ी छोटा सा बनाया है, और जो बॉक्स का फ्रंट है उसके ऊपर PlayStation 1 कंसोल जो है, उसका जो कंट्रोलर है उसको दिया गया है। और यहाँ पे है सोनी PlayStation का लोगो, और यहाँ नीचे लिखा है सोनी PlayStation, और यहाँ पे है लिखा हुआ PlayStation क्लासिक, जो कि नाम इसको दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस कंसोल में आप डिस्क को इंसर्ट नहीं कर सकते, आप इसमें डिस्क से गेम नहीं खेल पाएंगे। इस कंसोल में आपको 20 गेम्स प्रीलोडेड मिलेंगी, आप वही गेम्स खेल पाएंगे। उसके अलावा आप इसमें कोई गेम और नहीं खेल सकते। तो बॉक्स को ओपन करने से पहले हम इसके एक बार बैक साइड पे देख लेते हैं। तो बैक साइड पे यहाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, जो गेम्स में आपको प्रीलोडेड मिलती हैं 20 गेम, उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये सभी गेम आपको इसमें प्रीलोडेड मिल जाएंगी। और जो उसमें गेम्स अलग अलग दी गई हैं, जो उसमें जो मेन गेम्स हैं वो है GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, मेटल गियर सॉलिड, फाइनल फैंटसी 7, और साथ में है इसमें रिज रेसर 4, रेजिडेंट ईविल डायरेक्टर कट, टेकन 3, टॉम क्लेंसीज रेनबो 6 और ट्विस्टेड मेटल। ये जो मेन गेम्स हैं उस टाइम की, ये गेम्स इसमें आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पे इसके साइड पे जो जो कंटेंट इसमें आपको मिलता है वो यहाँ पे प्रिंट किया गया है। इसमें आपको मिलेगा एक PS1 गेमिंग कंसोल, और साथ में इसमें आपको मिलेंगे दो कंट्रोलर। इसमें आपको एक ही जगह दो कंट्रोलर मिल रहे हैं, और साथ में आपको मिलेगी एक USB केबल, माइक्रो USB केबल पावर सप्लाई के लिए, और साथ में है डिस्प्ले के लिए HDMI केबल, और साथ में इसमें आपको मिलेंगे प्रिंटेड मैनुअल्स। तो चलिए अब करते हैं बॉक्स को ओपन। और बॉक्स के अंदर एक वाइट कलर का बॉक्स है, और इस बॉक्स में है ये कुछ इसके मैनुअल्स, प्लेस्टेशन क्लासिक के इसमें आपको मैनुअल मिल जाएंगे साथ में। और बॉक्स के फ्रंट पे यहाँ पे प्लेसने का लोगो आपको मिल जाएगा। तो अब हम करते हैं बॉक्स को ओपन। और इस बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, उसको भी मैं बाहर निकालता हूँ। और इसके अंदर भी आपको कुछ मैनुअल्स, प्रिंटेड मैनुअल्स आपको मिल जाएंगे सोनी प्लेस्टेशन क्लासिक के। तो अभी मैं इनको रखता हूँ साइड पे। और जो भाई यहाँ पे है, ये है हमारा प्लेस्टेशन क्लासिक कंसोल, जो कि बहुत ही छोटा सा लग रहा है। और मैं इसको बाहर निकालता हूँ और इसको आप हाथ में पकड़ के दिखाता हूँ। और ये है प्लेस्टेशन 1 क्लासिक, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा है देखने में, बहुत छोटा सा है ये, और जैसे PSP है ये कुछ वैसा ही लग रहा है देखने में, उसके साइज़ का लग रहा है। तो कंसोल को हम देखते हैं बाद में, पहले हम देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या और मिलता है। तो यहाँ से हम बॉक्स को ओपन करते हैं, और भाई यहाँ पे है, सबसे पहले मिलते हैं हमें दो वायर कंट्रोलर PlayStation 1 के, जो कि बिना एनालॉग स्टिक के हैं। और इसमें जो सॉकेट है वो है एक USB कंट्रोलर, ये USB कंट्रोलर है इसमें, जो PS1 क्लासिक में USB पोर्ट दिया गया है, PlayStation 1 और 2 का जो पोर्ट था वो नहीं है इसमें। और साथ में है एक और PlayStation 1 का कंट्रोलर विदाउट एनालॉग स्टिक, और साथ में दी गई है ये
HDMI केबल, और ये है USB केबल पावर सप्लाई के लिए। पर इसको आपको अडाप्टर आपको अलग से अपने अपना लगाना होगा, साथ में इसके अडाप्टर नहीं दिया गया है। और ये है हमारा PlayStation 1 क्लासिक कंसोल, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे आपको सभी इसके बटन मिल जाएंगे, ये पावर बटन है, ये रीसेट बटन है, और ये ओपन बटन है, पर ये वैसे बनाया गया है, ये ओपन नहीं होता है। और यहाँ पे दिए गए हैं दो USB पोर्ट, जहाँ पे लगेंगे इसके दो कंट्रोलर्स। और बैक साइड पे पीछे की तरफ यहाँ पे है एक HDMI पोर्ट, और यहाँ पे है एक माइक्रो USB पोर्ट जिसको मैं आपको पावर सप्लाई देनी होगी। और इसमें और आपको कुछ भी नहीं मिलता है, पर कंसोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट बनाया गया है। तो अब एक और बात, इसके साथ जो प्लेशन क्लासिक के साथ ये HDMI केबल दी गई है, आप इसको सिर्फ LED TV पे ही लगा सकते हैं, पर आपको इसके ग्राफिक्स HD नहीं मिलेंगे। आपको इस प्लेस्टेशन क्लासिक के जो ग्राफिक्स हैं वो आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको मिलते थे प्लेस्टेशन 1 में, यानी कि 360p पे। आप इसको HD में नहीं खेल सकते, आप इसके ग्राफिक जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 360p में। तो चलिए अब हम करते हैं इसको कनेक्ट TV के साथ, और फिर खेलते हैं हम प्लेस्टेशन 1 की कुछ क्लासिक गेम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं PS1 की जो क्लासिक गेम्स में प्रीलोडेड दी गई हैं वो आपको यहाँ पे सभी मिल जाएंगे, जिसमें आपको टेकन 3, साइफन फिल्टर, रिज रेसर, परसोना, रेजिडेंट ईविल 1, रेमैन, और भी मेटल गियर सॉलिड, और भी काफ़ी अच्छी गेम है, GTA उस टाइम की काफ़ी अच्छी गेम है, ये सभी आपको इसमें गेम्स मिल जाएंगी। और इन सब की गेम्स के नीचे इनके रिलीज़ ईयर भी लिखा हुआ है, जिस ईयर में ये गेम रिलीज़ हुई थी वो ईयर इस गेम के नीचे आपको मिल जाएगा। तो अब हम सबसे पहले हम प्ले करते हैं भाई टेकन 3 को, और आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्ले है आपको TV पे पूरा नहीं मिल रहा है, आपको जो ग्राफिक्स हैं वो PS1 के हिसाब से मिल रहे हैं जो कि 360p हैं। तो अब हम ऑन करते हैं आर्केड मोड, पे पूछ रहे हैं कि आपको गेम को रिज्यूम करना है या नहीं, तो हम करेंगे अभी नो, और उसके बाद आप अपनी अगर आप कोई और गेम खेलना चाहते हैं तो और गेम आप इसमें और कोई अपनी खेल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, ये थी प्लेस्टेशन क्लासिक की अनबॉक्सिंग और उसका गेम प्ले। आप मुझे बताइए कि आपने क्या कभी PS1 को परचेज किया है, और आपकी PS1 में फेवरेट गेम कौन सी है मुझे बताइए कमेंट्स में। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस को देख पाएँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।